नेक्स्ट वीडियो है आपकी फूड प्लानिंग में आहार आयोजन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। पोषण की आवश्यकता है। आहार आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकता पूरी करना। परिवार के प्रत्येक सदस्य की पोषण आवश्यकता उनके लिंग, आयु, शारीरिक स्थिति व श्रम पर निर्भर करती है, इसलिए गृहिणी को उचित भोज्य समूहों का चयन कर संतुलित आहार तैयार करना चाहिए, जिसको जिस पोषक तत्व की, जिस भोजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता है, जिस समय आवश्यकता है, उसी के अनुसार भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा है विविधता। भोजन के रंग, रूप, खुशबू व आकार में विविधता लाकर सुरुचि का भोजन तैयार कर परिवार के सदस्यों को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वयस्क एवं बच्चों की भोजन संबंधी रुचि अलग अलग होती है, इसलिए परिवार के सदस्यों को ध्यान में रखकर विविधता लानी चाहिए। जैसा भोजन बच्चों को पसंद है, जैसा भोजन वयस्क को पसंद है, जैसा भोजन बीमार को पसंद है, जैसा भोजन गर्भ व्यक्तियों को पसंद है, इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आहार तैयार करना चाहिए। क्षुधा संतुष्ट यानी भूख को शांत करने वाला आहार आयोजन भूख को शांत करने वाला होना चाहिए। नाश्ते वह दोपहर के भोजन के मध्य समय अंतराल के आधार पर नाश्ते की व्यवस्था हो, उसी प्रकार दोपहर व रात्रि भोजन के मध्य भी उचित भोजन की व्यवस्था हो, ताकि शारीरिक भूख के साथ क्षुधा संतुष्टि हो सके। दो समय के भोजन के मध्य कितना समय है, एक समय इतना भोजन दिया जाना चाहिए ताकि दूसरे समय के भोजन तक उसको भूख ना लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। आहार समय। दो आहारों के मध्य अंतराल एवं पूरे दिन के आहार आयोजन में बारंबारता का ध्यान रखना चाहिए कि वही भोज्य पदार्थ पूरे दिन में दोबारा न बने। कुछ सदस्य दो समय भोजन लेते हैं तो छोटे बच्चे 3-4 समय भोजन लेते हैं। वही बीमार व्यक्ति को तरल भोज्य पदार्थ थोड़े थोड़े समय में देना होता है, तो उसे अनुसार भोजन तैयार करना चाहिए। पूरे दिन को एक इकाई माना चाहिए। एक पूरे दिन के लिए आहार की योजना एक साथ बना लेनी चाहिए ताकि सही समय पर भोज्य पदार्थ उपस्थित कर सके एवं भोजन में भी विविधता बनी रहे। पूरे दिन का मेनू एक साथ बनाने से आहार आयोजन बनाने में सुविधा रहती है, विविधता रहती है एवं सही ढंग से कार्य संपन्न होता है। समय। गृहिणी को आहार आयोजन में लगने वाले समय एवं अन्य कार्यों के समय के मध्य तालमेल बिठाकर कार्य करना चाहिए, ताकि वह काजी होते हुए भी घर के सभी सदस्यों को भोजन के रूप में संतुष्ट कर सके। भोजन की स्वीकार्यता। संतुलित भोजन को आकर्षक तरीके से परोसा जाए तो परिवार के सदस्य उस भोजन को स्वीकार करते हैं एवं शारीरिक एवं मानसिक संतुष्टि मिलती है, इसलिए उचित समय पर उचित एवं संतुष्टित भोजन परिवार को संतुष्ट करता है। पकाने की उचित विधियां। आहार आयोजन में भोज्य पदार्थ को उचित विधि से पकाना अत्यंत आवश्यक है एवं पकाने की विधि में अंतर या विविधता लाकर उसी भोज्य पदार्थ के कई व्यंजन बना सकते हैं। विधि के बदलाव से उसकी पौष्टिकता भी बढ़ती है। अतः आहार आयोजन में भोज्य पदार्थों को खरीदना, संग्रहण करना, पकाना, परोसना, संरक्षित करना सभी सम्मिलित होते हैं। प्रभावित करने वाले कारक व सिद्धांत आहार आयोजन को सही स्थिति में रखकर आवश्यकता बढ़ाते हैं, इसलिए आहार आयोजन किया जाता है। अभी आप देख जाते हैं लगभग 6-7 चैप्टर इसी से संबंधित आएंगे कि वृद्ध व्यक्ति को किस तरह के आहार आयोजन की आवश्यकता है, किशोर को कैसे की आवश्यकता है, रात्रि गर्भावस्था में किस तरह के भोजन की आवश्यकता होती है, शिशु अवस्था में कैसे भोजन की आवश्यकता होती है, इसी से संबंधित ये यानी कुल मिलाकर भोजन से मेनू से संबंधित ये 4 या 5 लेसन आपके कंटिन्यू आएंगे, इसलिए ध्यान से समझना। इसके अगले वाले लेसन इससे भी ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि उसमें संदर्भ इकाई दी हुई है, वो जो समूह दिए हुए होते हैं और उनका मेनू दिया हुआ होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। और जितने भी मैंने पिछले नोट्स भेजे हैं वो एक बार मेरे पास भेज देना ताकि मैं चेक कर सकूँ, ताकि इससे मुझे पता लग जाए कि तुमने कितना काम किया है।